हम सीखेंगे किसी भी रेखा पर दो लंबवत रेखाएं जो है खींचना, ठीक है, या किसी भी रेखा पर जो है वो लंबवत रेखा खींचना, या किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में हम कैसे बांट सकते हैं वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ देखो, कोई भी रेखाखंड अगर मान लीजिए हमें दिया है, उसको दो बराबर भागों में पहले देख लेते हैं कैसे बांट सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड जो है वो देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये स्केल ली है, क्या लिया है, एक रेखाखंड लिया, ठीक है। अब इसको हमें दो बराबर भागों में जो है वो बांटना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको दो बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हमने मान लीजिए एक रेखाखंड ए और बी दिया हुआ है, जो कि क्या है आपका 10 सेंटीमीटर का है। यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है। इसको 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को अगर मान लीजिए है दो बराबर भागों में बांटिए, तो दो बराबर भागों में हम कैसे बांट सकते हैं, इसके लिए जो है ये जो है देंगे, और इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सीख लीजिए कैसे करना है इसको। इसको देखिए, यहाँ पर इसकी नोक लेना है आपको, ठीक, समझ आया। और इसको जो है वो ज्यादा फैलाना है, मतलब कि आधे से ज्यादा दिख रहा है, ये आधे से ज्यादा दिख रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पर इसको आधे से ज्यादा फैलाना है, और यहाँ ए बिंदु पर इसकी एक नोक लेना है, आधे से ज्यादा देख लेना है अपने मन से। आप इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ले सकते हैं। तो हमने मान लीजिए इसको आधे से ज्यादा जो है ले लिया इसमें प्रकार में, और इसके बाद जो है हमें इसको जो है क्या करना है, चाप लगाना है। कहाँ चाप लगाना है, यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर इससे चाप मारेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद सेम यही चाप जो है वो कहाँ मारना है आपको, नीचे की तरफ भी मारना है, ठीक। अब इसके बाद इसको हम लेके आएंगे नीचे की तरफ, तो सेम यही चाप आपको जो है क्या करना है, नीचे की तरफ मारना है, ठीक, दिख रहा है। अब यही प्रकार बिना हिलाए डुलाए जो है इसको ले जाकर कहाँ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, इसको पलटना, कैसे पलटे, हाँ। अब यहाँ पर देखिए, इसको फिर बिना हिलाए डुलाए इसकी नोक हमने यहाँ रखी बिंदु बी पर, इसके बाद जो है इसको हमें जो है यहाँ पर अब चाप मारना है, ठीक, दिख रहा है, yes, हिलाए डुलाए। सेम यही प्रक्रिया क्या करनी है आपको, नीचे की तरफ, ओहो, यही प्रक्रिया आपको नीचे की तरफ करनी है, दिख रहा है, yes, तो यहाँ पर अभी हमारा काम हो गया, अब इसको हटा देंगे, दिख रहा है। अब यहाँ पर जो है यहाँ दो बिंदु प्राप्त हो गए, यहाँ पर इसका मान दे दीजिए सी, इसको नाम दे दीजिए डी, यहाँ सी और डी दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं। इन बिंदुओं को सी और डी को जो है, चाहे इसको सी दे दीजिए चाहे इसको डी दे दीजिए, इनको क्या कर रहे हैं आपको, स्केल की दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती, कौन बताएगा। दो बिंदु अगर आपके पास में दिया हो, एक बिंदु दिया है, कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से एक कई, कितनी कई, असंख्य ना, एक बिंदु से हम कितनी भी होती हुई रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए बिंदु ए और बिंदु ए, तो इन दो बिंदुओं को मिलाती हुई केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर अब दो बिंदु हमारे पास सी और डी प्राप्त हो गए, इनसे जो है होती हुई आप एक रेखा खींच लीजिए, बिंदुओं को मिलाती हुई आपको रेखा खींचना है।
मिलाती हुई रेखा खींच ली आपने, उन दोनों को मिलाते हुए जब रेखा आप खींच लेंगे तो ये जो दिया गया रेखा खंड है वो आपका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। दिया गया रेखा खंड आपका दो बराबर भागों में विभाजित हो गया है। ये देखिए दिख रहा है 5 सेंटीमीटर का, ये देखिए अपने आप आ गया ये दो बराबर भागों में। तो यहाँ पर हमने इसको 5 सेंटीमीटर जो है ये दो बराबर भागों में विभाजित कर लिया। ये क्या था हमारा, दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। आज हमने क्या सीखा, दिए गए रेखाखंड को दो भागों में बांटना। ठीक है, खंड वो दो बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, ये हमने आज सीखा, दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में हम कैसे बांट सकते हैं। सबको बन जाएगा ये तो हमने स्केल से बात में नापा, स्केल का इसमें प्रयोग नहीं करना है आपको। 10 सेंटीमीटर मान लीजिए रेखा खंड, तो आपने 10 सेंटीमीटर पहले रेखा खंड स्केल से बना लिया, उसके बाद आपको जो है विभाजित करना है बिना स्केल की सहायता से। तो आप प्रकार की सहायता से जो है चाप लगा करके इस तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जो लाइन आ रही है ये दी गई इस पर रेखा पर जो है क्या होगी, लंबवत भी होगी। 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो है अब हम जो है अगर मान लीजिए लंबवत कोई रेखा खींचनी है तो कैसे खींचेंगे, सबको समझ में आ गया। चलिए एक चीज और सीख लीजिए, किसी भी मान लीजिए कोई रेखाखंड दिया है उसके लंबवत जो है कोई भी लाइन खींचना मान लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक हमने रेखाखंड खींचा, ये मान लीजिए लाइन थोड़ी है क्या इसके, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास में ये कोई दिया गया रेखाखंड है ए बी, ध्यान दीजिएगा ए बी एक रेखाखंड है, इस पर लंबवत हमें रेखा खींचनी है। तो हम इस पर लंबवत रेखा कैसे खींच सकते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, लंबवत रेखा खींचनी है आपको, तो इसके लिए आप ये प्रकार का यूज करते हुए सबसे पहले क्या करेंगे आप जो है यहाँ पर जो है एक छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, समझ में आ रहा है, थोड़ा नीचे हो गया लेकिन ये यहीं पे रहेगा। ठीक, इस तरीके से आप एक खींचेंगे प्रकार की सहायता से। अब इसके बाद इसी प्रकार को लेना है आपको, तो आप बड़ा भी खींच सकते हैं, बड़ा खींचे क्या, लाइन तो हो रहा है।
में करो बच्चों। ठीक, इस तरीके से हमने इसको खींच लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसी को बिना हिलाए डुलाए जो है सेम ये नोक बाहर रखनी, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये नोक यहाँ रखनी है, ठीक है। और यहाँ रखने के बाद जो है आप इसको चाप लगाएंगे फिर से, ठीक। तो यहाँ आपने एक चाप लगा दिया, एक चाप ये कटा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसी नोक को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर फिर एक चाप मारेंगे, दिख रहा है। अब यहाँ पर जो है आपको ये दोनों चाप मिल गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन बिंदुओं पर जो है लेकर के ऊपर की तरफ फिर से चाप जो है वो मारना है। तो यहाँ पर जो है इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, तो हमने इसके इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक। और इसके बाद जो है वो एक चाप यहाँ पर हमने मारा, ठीक है। अब इसी जो हमने इसको बढ़ाया है सेम वही लेकर के जो है बिना हिलाए डुलाए बिना उसको किए जो है इसको आप पलट लीजिएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर रख करके जो है आपको फिर से चाप मारना है। तो यहाँ पर हमने ये देखो ये चाप हमने मारा, दिख रहा है सबको। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखो ये एक बिंदु हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ था और एक बिंदु हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए और इन दोनों बिंदुओं को आप स्केल की सहायता से जो है वो मिला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्केल की सहायता से हम इसको मिला रहे हैं। ठीक है, अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो जो ये प्राप्त होगा वो जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा होगी, 90 अंश का बनाती हुई जो है रेखा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोण 90 अंश का, अगर मान लीजिए ये दी गई रेखा है इसके समानांतर ये जो दी गई रेखा है इसके समानांतर एक और जो है रेखा खींचनी है, तो सेम यही प्रक्रिया आप दूसरी तरफ भी कर देंगे। आपके चित्र पे बना हुआ है पेज नंबर कितने पे, 238 पे देखो दिया हुआ है, चित्र नंबर 11, पेज नंबर 238 पे चित्र नंबर 11 देखिए। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि एक ही रेखा पर दो लंबवत रेखाएं जो है खींची गई हैं और ये दोनों लंबवत रेखाएं जो है वो परस्पर क्या होंगी, समानांतर होंगी, ठीक है। कर लोगे, खींच लोगे, समझ में आया सबको, वेरी गुड।